हाय डियर फ्रेंड, इंजीनियर कॉन्सेप्ट वापी में आपका स्वागत है। और आज हम सर्वे जो कंपास चैप्टर है उसमें जो इंटीरियर एंगल, जो हमारा क्लोज ट्रावर्स बनता है उसके इंटीरियर एंगल को फाइंड आउट कर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। और कंपास सर्वे में जो रीडिंग ली जाती है, ठीक है, करेक्ट रीडिंग यहाँ पे जो भी लिखी हुई है करेक्ट रीडिंग है। इसके पहले मैंने मेथड समझाया था कि अगर इनकरेक्ट हो तो उसको कैसे करेक्ट करते हैं, तो बाय लोकल अट्रैक्शन मेथड से मैंने वो आपको करेक्ट करना मेथड बता दिया था, ठीक है। आज हम ये देखेंगे कि जो करेक्ट वैल्यू है, ये देखिए कोर बियरिंग बैक बियरिंग की करेक्ट वैल्यू है, ठीक है, करेक्ट वैल्यू है। और दो एग्जांपल लेके मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ कि कैसे उसके इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अभी देखिए ए बी सी डी ई, ठीक है, ए बी सी डी तक दिया है, ठीक है, मतलब तो उसके जो ट्रावर्स बन रहे हैं, क्लोज ट्रावर्स बनेंगे तो उसके एंगल होंगे, ठीक है। तो जो एंगल मिलते हैं, जो भी एंगल मिल रहा है, तो उसका जो भी एंगल होता है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर इस तरीके से बना हुआ है तो उसके एंगल कितने होंगे वो फाइंड आउट करने का आज हम तरीका देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बताऊंगा, फिर उसके बाद से इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ये दो क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है, और ये दो टाइप के भी हैं, ठीक है, इसलिए मैंने ये दो टाइप के क्वेश्चंस को लिए हैं कि ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। कई बार तो होता है कि इसमें बैक बियरिंग नहीं दिया, सिर्फ फोर बियरिंग दिया है और उससे आपको इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी मैं आपको टेक्निक बता दूंगा एंड में, ठीक है। तो आप वीडियो को देखते रहिए और एंड तक देखिए ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। हो सकता है कि कैलकुलेशन करने में कोई थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, लेकिन आप रेगुलर प्रैक्टिस कर दो, मेथड को सीखेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो मेथड को हम सीखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं सबसे पहले कि ये जो होता है, जो भी ये दिया रहता है उसके हम क्लोज ट्रावर्स बना लेते हैं, जो भी दिया रहता है उसको क्लोज ट्रावर्स हम बना लेंगे। तो देखिए पहले दिया है ए टू बी, ए टू बी 40 डिग्री है, और ये जो दिया रहता है, एक और पॉइंट मैं बताना चाहता था कि ये जो भी दिया रहता है वैल्यू वो सब होल सर्कल बियरिंग में दी रहती है वैल्यू, जितनी भी दी है वैल्यू वो सारे होल सर्कल बियरिंग में दी रहती है। रिड्यूस बियरिंग में लिखता है तो उसमें नॉर्थ साउथ या साउथ सॉरी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट में दिया रहता है, लेकिन अगर ऐसे सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू दिया है तो समझ जाने का आप कि ये होल सर्कल बियरिंग की वैल्यू है, ठीक है। अगर नहीं होता है तो आपने होल सर्कल में बना ले, ठीक है, ताकि आपको इजिली आप उसको सॉल्व कर सके। तो सबसे पहले देखिए ये जो भी होता है क्लोज ट्रावर्स उसको हम बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे वो दिखा देता हूं आपको। जैसे ए टू बी है, सपोज दैट मेरा ये ए है, ठीक है, ए पॉइंट है, और कितना है 40 डिग्री, फोर बियरिंग मतलब आगे जाना, बैक बियरिंग मतलब उसके पीछे, ठीक है। तो ए से आगे की तरफ 40 डिग्री, मान लो ये 40 डिग्री बन रहा है, ये ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया, ये 40 डिग्री है, और यहाँ पे ये बी आएगा, ठीक है, ये पॉइंट क्या है बी। अब बी पे कितना बन रहा है 120, 120 कहाँ पे जाएगा, ये 90 और इससे जस्ट थोड़ा सा ये 120 बन गया, यहाँ पे आया मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये बना लिया, ये सी पॉइंट हो गया, बी टू सी 120, अब सी टू डी 240, तो 240 कहाँ पे, ये 180, 180 से 60 ज्यादा कर देंगे तो आ जाएगा आपका 240, यहाँ पे आपका आ गया डी, और डी टू ये कितना है 340, 340 मतलब यहाँ 270 या 340 मतलब यहाँ पे जस्ट इसको इधर से मिला दिया आपका ये बन गया, ठीक है, ये डी पॉइंट हो गया। तो ये कैसे गया, ऐसे गया, मतलब ये बना कैसे, ऐसे टाइप में, मतलब कैसा गया ये क्लॉकवाइज, कैसा गया ये क्लॉकवाइज गया है, जो हमने बनाया ए बी सी डी ये कैसे जा रहा है, घड़ी की दिशा में जा रहा है, घड़ी जैसे मूव करती है वैसे ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब क्लॉकवाइज होता है, जब भी आप क्लोज ट्रावर्स बनाओगे जब क्लॉकवाइज होगा तो उसके इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए, ये जो मैं कर रहा हूं ये किसके लिए, इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए होता है, इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल अगर ये ध्यान देना, ये जो मैं फॉर्मूला अभी बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ इतना याद रखोगे आप ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो अगर ये ए का इंटीरियर एंगल या बी का या सी का या डी का इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए इंटीरियर एंगल जो होगा, इंटीरियर एंगल कब, जब क्लॉकवाइज, मैं क्लॉकवाइज के लिए बता रहा हूं आप, लेकिन ध्यान से देख लेना कि क्लॉकवाइज के लिए किसी की भी एंगल, क्लॉकवाइज में किसी का भी एंगल फाइंड आउट करना है तो सबसे ध्यान रखना इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है जब क्लॉकवाइज हो तो बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग,
अब बैक्टीरिया क्या होता है, फोर बी क्या होगा, यहाँ पे कौन सा लिख दोगे? अभी ए के लिए है तो देखो ए का यहाँ पर ए टू बी, ठीक है, ध्यान यहाँ पे बहुत ध्यान देना, यहाँ पे जस्ट पहले है, समझ में आया ना, तो ए का जस्ट पहले ये जो होगा ये वाला, ये 40 डिग्री, ये फोर बियरिंग होगा, और ए का ये बैक बियरिंग यहाँ पे लिखोगे, ऐसा नहीं कि ये बैक बियरिंग लिख दोगे, हम लाइन का नहीं देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, एंगल पॉइंट का देख रहे हैं, तो पॉइंट में आपका फोर बियरिंग ये होगा, बैक बियरिंग ये वाला वैल्यू होगी, ये बैक बियरिंग, तो इनको कंसिडर, डीए का बैक बियरिंग ये और एबी का फोर बियरिंग ये कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर सपोज दैट, यहां देखो ये अगर बड़ा हुआ ये छोटा हुआ तो इजिली मिल जाएगा, लेकिन सपोज दैट अगर एबी जो है वो ग्रेटर हो गया बैक बियरिंग से, एबी जो है वो ग्रेटर हो गया, जैसे यहां पे देख लीजिए, यहां पे देखिए, यहां पे बी भी बड़ा ही है तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाई चांस कहीं पर, यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा, बाई चांस अगर एफ बी ग्रेटर हो गया तो यहाँ पे सबसे पहले आपने एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने का, एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर लो और एफ बी माइनस बी बी कर लो, एफ बी माइनस बी बी कर लो, जो वैल्यू आती है उसके बाद से आपने इंटीरियर इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करोगे, इंटीरियर एंगल तो क्या हो जाएगा टोटल 360 माइनस 360 में से एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर देंगे, एक्सटीरियर एंगल जो भी आया उसमें 360 में से माइनस कर दिए, जैसे ही देखो अभी ये एक्सटीरियर फाइंड आउट किया, ये एक्सटीरियर है इसका, ये फाइंड आउट किया तो टोटल में से ये माइनस कर दोगे तो इंटीरियर मिल गया। इस तरीके से क्लॉकवाइज के लिए ये फॉर्मूला हमने ध्यान में रखना है कि अगर बीबी बड़ा है एफबी से, बैक बियरिंग बड़ा है एफबी से तो डायरेक्टली हमें इंटीरियर एंगल मिल जाएगा, लेकिन अगर एफ बी बड़ा हो जाता है तो हमने पहले एफ बी माइनस बी बी करना है और एफ बी माइनस बी बी की वैल्यू जो आती है वो 360 में से माइनस कर देंगे तो इंटीरियर एंगल कोई भी पॉइंट के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं यहाँ पे टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो मैं कैलसी ले लेता हूँ सबसे पहले, हाँ तो हम इसको स्टार्ट कर देते हैं सॉल्व करना, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला आपने ध्यान से लिख लेना है, ठीक है, फिर एंटी क्लॉकवाइज का भी फॉर्मूला मैं बता दूंगा, ये जो मैंने जो लिखा है इसको आपने एक जगह पे लिख लेना, जब भी सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, आइडिया सिर्फ लो, ठीक है, बाकी तो आपको खुद ही करना होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, अगर इसका इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो हमने फॉर्मूला बता दिया आपको, उस फॉर्मूले का यूज करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करना हो, ध्यान देना ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ के लिए अगर इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो एंगल ए के लिए मैं लेके चल रहा हूँ, तो इंटीरियर एंगल मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इंटीरियर एंगल इक्वल टू बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग, क्योंकि हमने इसको ड्रॉ कर लिया, हमें पता चल गया कि ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग। अब देखो ए के लिए ए इधर है, ए इधर है, इसका बैक बियरिंग, ठीक है, इसका फोर बियरिंग, ठीक है, ये पीछे दिया मतलब बैक बियरिंग, ये आगे दिया मतलब फोर बियरिंग, ठीक है। तो ये देखो बैक बियरिंग इसका 160 माइनस ये 40 करेंगे तो डायरेक्ट कितना मिल गया, 120 डिग्री इसका एंगल ए मिल गया, इंटीरियर एंगल मिल गया, इंटीरियर एंगल ऑफ एंगल ए मिल गया 120। फिर एंगल बी के लिए चाहिए, एंगल बी के लिए, तो एंगल बी में देखो ये इसका फोर बियरिंग और ये इसका बैक बियरिंग, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे इंटीरियर एंगल ऑफ बी, बी के लिए, तो बी के लिए क्या हो जाएगा, लिख लेंगे यहाँ पे देखो वो चीजें लिख लेंगे तो बहुत बेटर रहता है, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, जो ये बैक बियरिंग था वो बैक बियरिंग ऑफ बी डी ए एंड फोर बियरिंग ऑफ ए बी, तो और बेटर रहेगा। अब बैक यहाँ पे जब लिखेंगे इंटीरियर एंगल ऑफ बी, बी के लिए कर रहे हैं तो देखो ये फोर पहले तो बैक बियरिंग लिखेंगे, तो बैक बियरिंग ऑफ ये ए बी माइनस फोर बियरिंग ऑफ बी सी, ठीक है। अब बैक बियरिंग देखो ये बड़ा है ये छोटा है तो इजीली हो जाएगा 220 डिग्री माइनस 120 डिग्री कितना आ जाएगा 100 आ गया 100 डिग्री, बी का भी मिल गया इंटीरियर एंगल। फिर एंगल सी के लिए देख लीजिए, एंगल सी के लिए देख रहे हैं
इंटीरियर एंगल आपने पूरा लिखना है, इंटीरियर एंगल। तो सी के लिए देखो, सी में यहाँ पे देखो, बैक बियरिंग ऑफ बी सी एंड फोर बियरिंग ऑफ सी डी। तो बैक बियरिंग ऑफ लिख लो, बैक बियरिंग ऑफ बी सी माइनस फोर बियरिंग ऑफ सी डी, तो कितना है ये 300 है और ये माइनस 240 है। ध्यान रखना कि अगर ये वाला बड़ा हो जाता है तब तो एक्सटर्नल एंगल फाइंड आउट करके करना पड़ेगा, तो ये माइनस कर देंगे तो आपका 60 डिग्री आ गया। ठीक है, फिर एंगल ऑफ डी फाइंड आउट करना है, तो एंगल ऑफ डी के लिए आपका इंटीरियर एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बैक बेयरिंग ऑफ सी डी एंड फोर बेयरिंग ऑफ डी ए। तो यहाँ देखिए कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि इसका बैक बेयरिंग देखो डी के लिए 60 है और ये फोर बेयरिंग क्या है ज्यादा है 340 है। तो यहां पर आपने क्या कर लेने का कि सबसे पहले यहां पे मैंने लिख दूंगा, लिख लेता हूं फिर बाद में आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या लिखेंगे। बैक बेयरिंग पहले समय से ध्यान रखने का, अगर क्लॉकवाइज बन रहा है तो सबसे पहले बैक बेयरिंग ही लेते हैं। तो बैक बेयरिंग ऑफ सी डी माइनस फोर बेयरिंग ऑफ डी ए, तो यहां पर लिख देंगे कि एफ बी इज ग्रेटर देन बी बी। जब ये ग्रेटर है तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको पहले सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल में क्या हो जाता है, पहले फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग। तो फोर बियरिंग कितना है 340 माइनस 60, ये माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 इधर से माइनस हो गया, 20 और बच रहा है, तो 300 में 20 गया तो 280 डिग्री हो गया, 280 मिला। फिर उसके बाद से इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करेंगे, इंटीरियर एंगल तो उसमें क्या हो जाएगा 360 माइनस एक्सटीरियर एंगल, तो 360 माइनस 280 करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, और कितनी वैल्यू मिल जाएगी, यहां से 20 और उधर से 60 डिग्री, ये आपका मिल गया। अब देखिए चेक करना होता है कि ये राइट है या नहीं है। ठीक है, देखो आप जो बना रहे हो उसमें कितने एंगल हो रहे हैं, चार एंगल हो रहे हैं, फोर साइड हो रहे हैं। ठीक है, फोर साइड फोर एंगल, और फोर साइड का हमको ये पता है कि उनके सभी का सम करने पे 360 आता है। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, चेक करते हैं जो। तो चेक करने के लिए क्या होता है कि सभी यहाँ पे जो भी एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है 2n माइनस 4 इंटू 90 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, n मतलब नंबर ऑफ साइड, n नंबर ऑफ साइड बताता है, 4 नंबर है तो 2 4 जा 8 माइनस 4 4 4 9 जा 360, मतलब इन सभी को ऐड करने पे 360 आनी चाहिए। देखो ऐड करके हम देख लेते हैं, यहाँ पे कितना आया 120 प्लस ये कितना आया 100 प्लस 60 प्लस 80 आया 360। तो जब 360 आ जाता है तो समझ लेना कि आपने जो ये कैलकुलेशन किया है वो राइट है। अगर 360 नहीं आ रहा है तो समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं हमने इसमें मिस्टेक किया है, जिसकी वजह से हमारा ये रॉन्ग आया है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पता चल जाएगा और सभी एंगल मिल जाएंगे। एंगल ए 120 डिग्री आ गया, एंगल बी आपका 100 डिग्री आ गया, एंगल सी आपका 60 डिग्री और एंगल डी 80 डिग्री आया। चेक करने के लिए जितने एंगल हो वो सभी एंगल का सम इक्वल टू 2n माइनस 4 इंटू 90 कर देना, अगर ये आ जाता है इक्वल करके तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो राइट है, अदरवाइज रॉन्ग है। ठीक है, जैसे 5 नंबर आ जाता है तो देखो 2 5 जा 10, 10 माइनस 4 6, 6 9 जा 540। ठीक है, तो ये 540 जो आ रही है वो सभी ये पांचों जो होंगे वो पांचों का ऐड करने पे वो 540 के बराबर आ जाते हैं, तो आपका राइट है अदरवाइज रॉन्ग है। तो आगे हम देखने वाले हैं, ये देखिए ये सभी जितने भी मैंने बताया है नोटबुक में लिख लीजिए, ये सारा स्टेप लिखिएगा, यहाँ के बाद से ये वाला पूरा लिखिएगा, फिर ये चेक करने के बाद से ये लिख लीजिएगा। ठीक है, इतना करेंगे तो आपका ये 100 जो भी आपके सिलेबस में होगा उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपको मार्क्स गेन करा देगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन को तरफ हम देखेंगे। ठीक है, ये था सभी इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए। शॉर्ट फॉर्म में आप मत लिखना, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, लेकिन आपने नहीं लिखना, आपने पूरा एक्सटीरियर एंगल मतलब एक्सटीरियर एंगल लिखना। ठीक है,
अब देखिए इस क्वेश्चन को हम करने वाले, ये कर लिया तो मैं इसको रद्द भी कर दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये इसको जब अगर मैं बनाने जाऊं तो ये एंटी क्लॉकवाइज में बनेगा। देखिए बना के भी मैं बता देता हूं कि जैसे ए टू बी है, तो ए टू बी में अगर बनाऊं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ए है और कितना है 124, तो 124 कहाँ जाएगा, यहाँ पे चलो बना लेते हैं, ए इधर है तो 124 मतलब यहाँ 90 आता है और ये 124 आएगा, ठीक है ये बना, ठीक है। उसके बाद से ये बी हुआ, अब बी से 68 डिग्री 15 मिनट, तो 68 डिग्री कहाँ पे आएगा, ये 90 से कम आएगा, हमेशा यहीं से लेते हैं हाँ। ये आपका सी आ गया, अब सी टू डी कितना 310, तो 310 मतलब ये 270 से ज्यादा ही होगा, यहाँ पे आ गया डी आ गया और डी 200 है तो ये 180 से ज्यादा, मतलब आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये कैसा गया, ऐसे गया है ए बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज हो तो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, एंटी क्लॉक वाइज अगर ट्रावर्स बन रहा है और क्लोज ट्रावर्स जो है, क्लोज ट्रावर्स आपका है अगर, ठीक है क्लोज ट्रावर्स है, तो उसके लिए जो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है, इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला जो होता है, तो उसके लिए सबसे पहले एफ बी माइनस, ये ध्यान में रखना ठीक है, एफ बी माइनस बी बी होता है, ठीक है एफ बी माइनस बी बी एंटी क्लॉकवाइज हो तो एफ बी माइनस बी बी होता है। अगर सपोज दैट की बैक बियरिंग ग्रेटर हो गए एफ बी से, एफ बी जो वैल्यू है वो ग्रेटर हो गई, तो वही जो पहले वाला सिस्टम था, एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर लेंगे पहले, एक्सटीरियर एंगल एफ बी 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 माइनस एफ बी कर लेंगे, और जब ये मिल जाएगा तो इंटीरियर एंगल के लिए 360 माइनस एक्सटीरियर एंगल कर लेंगे, आपको मिल जाएगा कंडीशन हो, नहीं तो अगर एफ बी आपको ज्यादा है तो यहीं पे मिल जाएगा, एफ बी आपका ज्यादा है तो यहीं पे मिल जाएगा, अगर बी बी ज्यादा हो जा रहा है एफ बी से तो ये फॉर्मूला करके और इंटीरियर एंगल यहाँ से गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया ये अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज ये फॉर्मूला यूज करना है, क्लॉकवाइज होता है तो उसके पहले मैंने बताया है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ये आपने देखो वीडियो को पॉज करके और ये पूरा लिख लो कि ताकि आपको आइडिया रहे, इतने ही के लिए आपको 3-4 मार्क्स कम हो जाते हैं, ठीक है तो वो गेन करना है, ठीक है। हो सकता है जो एसएससी जेई का कन्वेंशनल है उसमें पूछ दिया तो आपने ये करना इजी, और 10 मार्क्स का भी पूछ लेता है, कभी 15 मार्क्स का पूछ लेता है, ठीक है। या आईएएस के जो कन्वेंशनल पेपर है उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी बातों को हमें ध्यान में रखना है, ओके। तो आगे देख लेते हैं, ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है देख लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। सेम वही प्रोसेस जो अभी इसके पहले सॉल्व किए उसी तरह का यही है, बस उसके थोड़ा सा उल्टा है। क्लॉकवाइज में बी बी माइनस एफ बी होता है, एंटी क्लॉकवाइज में एफ बी माइनस बी बी होता है इंटीरियर एंगल के लिए। तो देखिए यहाँ पे अभी हमें क्या चाहिए, एंगल ए चाहिए, तो एंगल ए के लिए जो एंगल ए चाहिए तो उसके लिए इंटीरियर एंगल क्या होगा, इंटीरियर आई ए इंटीरियर एंगल माइनस एफ बी ऑफ, एफ बी किसका होगा यहाँ पे ध्यान देना, ए के लिए कर रहा तो ये एफ बी होगा और बैक बियरिंग ये होगा, तो देखिए एफ बी बड़ा है, एफ बी ऑफ ए बी माइनस बी बी ऑफ डी ए, ठीक है। तो ये कितना है एफ बी, देखो 124 30 मिनट माइनस 20 डिग्री 15 मिनट। अब देखो ये जब कैल्सियम हम फाइंड आउट करते हैं ना तो बहुत इजीली हमको मिल जाएगा, ये कैल्सियम अगर चलाने आता है, ठीक है आपको अगर दिख रहा होगा कैमरे में तो बहुत ही बेटर है, ठीक है। तो देखिए इसको सबसे पहले ना ये 124 लिख लो, 124 और ये जो सिंबल दिया हुआ है, ये वाला जो सिंबल दे रहा है, ये सिंबल पे पहले क्लिक करो, फिर 30 दिया तो 30 करके फिर इसी सिंबल पे क्लिक कर दो तो ये पूरा हो गया, ठीक है। माइनस करके ये लिख लो 20 डिग्री और दूसरी बार जब दबाते हैं 15 तो मिनट आता है, तीसरी बार दबाओगे तो सेकेंड आएगा, ठीक है। तो इसको इक्वल करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 104 15 सेकेंड 104 15 सेकेंड 104 डिग्री 15 सेकेंड, इस तरीके से आपका मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको मिल गया इंटीरियर एंगल मिल गया, ठीक है ए के लिए हो गया। अब एंगल बी के लिए देख लो तो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, वही एफ बी ऑफ बी सी माइनस
बीबी बैक बेयरिंग ऑफ एबी, ठीक है। तो ये कितना है देखो, ये 68 15 है, ये 304 है। देखो यहाँ पे देखो बैक बेयरिंग यहाँ पे ज्यादा हो गया, जब ये ज्यादा हो गया तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैक बेयरिंग इज ग्रेटर देन एबी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करेंगे, और वो क्या होगा बीबी माइनस एबी, और वैल्यू क्या है बीबी, बीबी की वैल्यू कितनी है 304 डिग्री 30 सेकेंड माइनस 68 डिग्री 50 मिनट, माइनस कर लो देख लो, ठीक है मैं यहाँ पे माइनस करके बता रहा हूँ, देखो 304 डिग्री 30 मिनट माइनस 68 डिग्री 50 सेकेंड मिनट, इक्वल करोगे तो कितना आ गया 236 डिग्री 15 मिनट आ गया, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल का वही फॉर्मूला 360 माइनस 236 डिग्री 15 मिनट, ये एक्सटीरियर माइनस कर देंगे 360, तो इंटीरियर मिल गया कितना होगा वही कर लेते हैं 360 डिग्री 0 से मिनट माइनस आंसर कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कितना आ गया 123 डिग्री 45 मिनट आ जा रहा है, ठीक है। ये मिल गया, बी मिल गया, उसके बाद से क्या करेंगे सी फाइंड आउट करेंगे, सी के लिए ठीक है एंगल सी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो सी के लिए आई ए क्या होगा वही एम बी ऑफ सी बी, सी बी माइनस बैक बियरिंग ऑफ बी सी, देखिए ये 310 है 248 है, इजिली मिल जाएगा 310 डिग्री 30 मिनट माइनस 248 डिग्री 15, ठीक है। एक चीज और आपको बता देता हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये राइट है एग्जैक्ट, तो सिंपल सा फंडा और लोकल अट्रैक्शन वाला कि इसमें से इसको माइनस करके देखो 180 आ जा रहा है, इसको इसमें से माइनस डिफरेंस, इनका डिफरेंस 180, इनका डिफरेंस 180, इनका डिफरेंस 180, इनका डिफरेंस 180, अगर आता है तो राइट है, नहीं तो रॉन्ग है, ठीक है कहीं ना कहीं फॉल्ट है, लेकिन सब में देखो इनमें से इसको माइनस करोगे तो 180 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 180 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 180 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 180 आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये देखो इधर डायरेक्टली माइनस कर देंगे, देखो इधर करके दिखा दूं मैं, सबसे पहले क्या करेंगे 310 डिग्री 30 मिनट माइनस 248 डिग्री 15 मिनट, इक्वल करेंगे तो आ गया 62 डिग्री 15 मिनट, 62 डिग्री 15 मिनट आ गया, 62 डिग्री 15 मिनट आ गया, मिनट को एक डैश से, सेकंड को डबल डैश से दिखाते हैं, डिग्री को एक सर्कल छोटा सा सर्कल बना देते हैं, ठीक है। तो ये सी मिल गया, उसके बाद एंगल डी कर लेते हैं, एंगल डी के लिए इंटीरियर एंगल क्या होगा फोर बियरिंग ऑफ डी ए एंड बैक बियरिंग ऑफ सी डी, ठीक है, फोर बियरिंग ऑफ डी ए माइनस बैक बियरिंग ऑफ सी डी, तो फोर बियरिंग ऑफ डी ए कितना है 200 डिग्री 15 मिनट माइनस 130 डिग्री 30 मिनट, 130 डिग्री 30 मिनट, तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं, कितना है 200 डिग्री 15 मिनट माइनस 130 डिग्री 30 मिनट, इक्वल करने में कितना है 69 डिग्री 45 मिनट, ये मिल गया, ए बी सी डी चारों मिल गए। अब चेक करने के लिए आप चेक कर लो, चेक करने के लिए क्या फॉर्मूला मैंने बताया, अगर चेक करना है तो क्या होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 2n-4 इंटू 90, ठीक है। तो देखो ये चारों को ऐड करो और वही चार साइड है तो 360 ही आएगा इनका, तो 360 अगर आ रहा है तो देख लो ये 69.40 इसको ऐड करो प्लस 62 डिग्री 15 मिनट, ये हो गया, फिर उसके बाद से ये वाला एंगल प्लस 123 डिग्री 45 मिनट प्लस ये 104 डिग्री 15 मिनट करने पे 360 डिग्री आ जा रहा है, 360 आ गया मतलब ये हमने करेक्ट किया है, अगर नहीं आ रहा तो कहीं कहीं मिस्टेक है, तो इस तरीके से आपने करना है, ठीक है।
इस तरीके से आप करते रहेंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही बेटर आ जाएगा, और ये वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी दोनों मेथड आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो इसको करते रहिए ताकि आपका ये जो भी कैलकुलेशन करना है, जो आपके सर्वे के एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन आते ही है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं और आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड तक भी, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। तो ये था क्रूज ट्रावर्स का इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला प्लस मेथड और प्लस प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ठीक है। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी करा दिया आपको, इसके फॉर्मूले भी बता दिए और कैसे ये होते हैं ये भी बता दिया, ठीक है। तो आप सभी ने प्रयास करना है कि एक बार पहले इसके नोट्स बना लें, फिर उसके बाद से आप इसको दूसरी बार जब वीडियो देखेंगे ना तो आपको बहुत इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो देखते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।